देखिए आपको जो है बिहार एसआई मेंस का परीक्षा आप सब लोग जानते 25 फरवरी को होना है, और सभी हॉस्टल के लड़के हैं जिनका 1275 प्रीलिम्स में रिजल्ट हुआ है। इसमें कई सारे छात्र ऐसे भी हैं, आप भी आ जाइए, इसमें कई सारे छात्र ऐसे हैं जिसका 64 वाला प्रीलिम्स में रिजल्ट हुआ है। जैसे ये हमारे राकेश लाल हैं, देख लीजिए इनका 64 वाला प्रीलिम्स में रिजल्ट हुआ है। रंजेश जी हैं, इधर हैं सस्ता कोहली, इनका भी रिजल्ट हुआ है। चंदन सिंह है, मुकेश जी हैं, इनका रिजल्ट हुआ है 64 वाला प्रीलिम्स में। तो जो 25 फरवरी को मेंस होना है उसी के मद्देनजर जो हमारे द्वारा मेंस का किताब लिखा गया है, इसमें थोड़ा सा देरी हो गया 1275 प्रीलिम्स दोनों सिटिंग के क्वेश्चन को डालने में, और 64 पोस्ट जो प्रीलिम्स का परीक्षा हुआ है जो 28 जनवरी को हुआ है उसके क्वेश्चन को डालने में थोड़ा लेट हो गया है। उसका क्वेश्चन मिल नहीं रहा था कहीं, कैसे कैसे करके लिखा गया, इसी वजह से लेट हो गया है। लेकिन फिर भी आज ये किताब, आज जो है 7-8 क्या तारीख है, 8 तारीख पब्लिश हो चुका है। 9 तारीख यानी कल से जो है बुक पटना के मार्केट में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो भी 25 फरवरी को परीक्षा देने जा रहे हैं छात्र एवं छात्रा है, वो इस बुक को परचेज करके आप निश्चित तौर पे बनाइए, काफी ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा आपके लिए। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि टोटल 28 सेट है, 28 सेट में जो है 5 हिंदी दिए हैं, समझिए 5 हिंदी दिए हैं और 3 गो 64 पोस्ट प्रीलिम्स जो एग्जाम हुआ है 28 जनवरी 2024 को उसका क्वेश्चन दे दिए हैं, और 1275 जो प्रीलिम्स पहला सिटिंग दूसरा सिटिंग हुआ है दोनों सिटिंग का क्वेश्चन दे दिए हैं। तो 3 सेट ही हो गया, 3 से और 5 सेट जो है आपको हिंदी हो गया, और 20 सेट जो है प्रैक्टिस सेट दिए हैं। और इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, फिर बिहार हो गया, जो एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम के पैटर्न के अनुसार जो है इसमें हम सब चीज दिए हैं, समझ गए। और हमको लगता है बचे हुए दिन में, ठीक है थोड़ा कम समय है, लेकिन अभी क्या समय है जानते हैं, सही समय अभी सबके लिए हम यही बोलेंगे कि अभी ऐसा समय है कि इस समय में आपको जो है सिर्फ मेहनत नहीं करना, मेहनत में अपना जी जान लगा देना है, अपना 100% लगा देना है, अपना 100% दे देना है, जितना आप में ताकत है आप 10 घंटा पढ़ सकते हैं, 12 घंटा पढ़ सकते हैं, 16 घंटा पढ़ सकते हैं, यही समय है, सही समय है। और यही समय है 12 घंटा 15 घंटा पढ़ने का, यही समय है 12-15 घंटा पढ़ने का, समझ गए, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। जो लोग कहता है कि हम 12-12 घंटा पढ़े हैं, यही समय है 12 घंटा पढ़ने का, और जो लोग 12 घंटा पढ़ेंगे निश्चित तौर पर बेहतर करेंगे अपने जीवन में। और अप्रोक्सिमेट 25,000 का रिजल्ट हुआ है प्रीलिम्स में, फाइनल तो होगा 1275 का ही, तो थोड़ा सा तो आपको अलग निश्चित तौर पर करना होगा। तो बुक आ चुका है मार्केट में, आप सब लोग जो है बुक ले करके इसको बनाइए, और 25 तारीख को जो परीक्षा होगा उसमें आपके लिए काफी कारगर साबित होगा, इतना हम दावे के साथ कर सकते हैं। अच्छा सर, डीमोटिवेट के बारे में बच्चे बोलते हैं, तो इस किताब के कंटेंट में वैसा, इस किताब के कंटेंट की अगर आप बात कीजिएगा तो एकदम मॉडरेट रखे हैं, और दूसरी बात यह है कि एग्जाम पैटर्न पे रखे हैं, एग्जाम पैटर्न पे बुक है, आप देखिए आप बनाइएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, एग्जाम पैटर्न पे है बुक का। लेवल का जहां तक बात है तो एकदम टफ नहीं है, बल्कि इजी टू मॉडरेट रखा गया है, इजी टू मॉडरेट रखा गया, जिस प्रकार का प्रश्न आपके मेंस परीक्षा में आएगा उसके पैटर्न को रख करके जो है इसमें हम कंटेंट डाले हैं। और अगर कर लीजिएगा तो जैसे हर बार हम बोलते हैं, जैसे चाहे मेरा प्रीलिम्स के टाइम में बुक आया हो, थोड़ा सा हमको टाइम में जो है थोड़ा देरी हो जाता है, इस बात को हम खुद महसूस करते हैं, लेकिन एक बात हम बताना चाहते हैं कि प्रीलिम्स में भी जब परीक्षा हुआ तो हम तो दिखाए थे मेरे बुक से इतना सारा क्वेश्चन आया है, मेंस का भी 25 फरवरी को परीक्षा होगा, हम दिखा देंगे इस बुक से कितना क्वेश्चन आया है, समझ गए। और जितना आपको पास होने के लिए चाहिए, पास होने के लिए जितना मेरिट में चाहिए ना उतना इसमें है, उतना कंटेंट इसमें है, वर्ल्ड हिस्ट्री तक हम शामिल कर दिए, 9th-10th का वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें है, बिहार का इसमें कंटेंट है, सब चीज है इसमें, इससे बाहर कुछ है ही नहीं, इतना कर लीजिएगा सफिशियंट है। और ये सभी हॉस्टल के छात्र हैं जिनका बिहार एसआई 1275 प्रीलिम्स में और 64 पोस्ट एसआई मध्य निषेध प्रीलिम्स में रिजल्ट हुआ है, तो उन सभी को ये बुक दिया जा रहा है। ये बुक आपको 1275 मेंस में भी काम करेगा और 64 पोस्ट वाला जो मेंस देने जा रहे हैं उसमें भी आपको काम करेगा, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और हॉस्टल के छात्रों को तो हम बोले हुए हैं एजुकेशन फ्री, एजुकेशन फ्री, तो हॉस्टल के छात्रों को ये किताब निःशुल्क दिया जा रहा है, और शुक्रवार यानी 9 तारीख से जो है ये बुक मार्केट में अवेलेबल होगा, आप सब लोग खरीद सकते हैं, तो हॉस्टल के छात्रों को हम दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ही को लीजिए और बनाइएगा, ठीक है, ई नहीं कि जो है इसको जो है तखा पे रख करके आरती उतारिएगा,
समझ गए, बनाना शुरू कर दीजिएगा। और दो बुक किसी को नहीं लेना है और सफिशियंट है, आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग उतना है बुक, नहीं घबराइए, एकदम घबराने का नहीं है, सबको बुक मिलेगा और अभी से लग जाना है बुक में, समझ गए। और एक बात हम बोलेंगे, डिस्कशन इसका जरूर पढ़िएगा, डिस्कशन एकदम सबसे ज्यादा जरूरी है, डिस्कशन एकदम जरूरी है, बिना डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं, समझ गए। तो हम जो अपना वादा किए थे आप लोग से, हम वादा पूरा कर रहे हैं, बस हमसे आप लोग ही वादा कीजिए कि हम रिजल्ट लेकर ही, समझ गए, और कुछ नहीं। अभी आपको वादा करना होगा हमसे, तब जाइएगा सब लोग, रिजल्ट नहीं होगा बगल में नॉर्ड, हम सबको फेंक देंगे, हमको कोई अति थोड़े है, इतना आप लोग पे हो रहा है सब चीज, आप लोग हमको एगो रिजल्ट ला कर दीजिएगा तो फिर इतना करने का मतलब क्या है, कोई मतलब ना है कि नहीं। हाँ, फाइनल रिजल्ट चाहिए हमको, फाइनल रिजल्ट, इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए, समझ गए। गेट खुला रखिए, गेट एकदम बंद करके रखते हैं, जब कल बोले हैं हम गेट खुला रखना रहना है तो गेट का ही बंद कर लेते हैं आप लोग, हम कभी भी आ सकते हैं, 2 बजे रातों को आ सकते हैं, आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, 25 फरवरी तक हम कभी भी आ सकते हैं, समझ गए। या तो लाइब्रेरी में मिलिए, पढ़ते हुए मिलिए, हमको पढ़ते हुए मिलना चाहिए बस, और हम कुछ नहीं जानते हैं, हर रूप में पढ़ते हुए मिलना चाहिए। आप सोते हैं इतना सवेरे सोइएगा तो कैसे होगा बताइए, आप तो सुन गए थे जी, ठीक है 3 बजे उठ जाते हैं, सही है, इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। मेरिट लेकर के आइए, मिठाई हमको खिलाइए, हम बहुत खिलाए हैं आप लोग को मिठाई, अब हमको मिठाई खिलाइए, अब मिठाई खाने का मेरा बारी है, आप लोग का बारी खत्म हो गया, हो गया सबको, सबको मिल गया है, चलिए इसको बनाना शुरू कर दीजिएगा और डिस्कशन आप लोग जरूर पढ़िएगा, बात बात की।